पंजाब में आपकी जीत और कईयों की हार, इसका अर्थ जानते हैं। चलिए आज इस पे बात करते हैं, मौका भी है और दस्तूर भी है। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर, एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में आम आदमी की जो पार्टी है, जिसे आप कहते हैं, वो जीत चुकी है। लेकिन ये जीत जो उसने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जो उसने एक प्लानिंग बनाई थी, ये उसकी जीत कही जा रही है। जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है, इसके जरिए चुनाव के ऐलान से पहले ही आप गरीब और दलितों के घर घर तक पहुंची भाईचारे के तहत, और गांव में लोग आपके समर्थन में थे, इसलिए अभिवादित चेहरों को उन्होंने टिकट दिए। शहरों में थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, ऐसे में खुद का आधार रखने वाले दूसरे दलों के करीब 50 नेताओं को पार्टी में शामिल करके उनको टिकट दिया, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, और नतीजा ये हुआ कि गांव के साथ साथ शहरों में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। केजरीवाल ने जो बदलाव हो रहा था, जो मतदाताओं के दिमाग का बदलाव हो रहा था, उसको उसने डे वन से ही समझ लिया था। एक्चुअली पंजाब में आप मुद्दों पे अड़ी हुई थी, अचानक गांव से बदलाव की बात निकलती है तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत अपने प्रचार का तरीका बदल लिया। वे एक मौका मांगने लगे। इसका असर ये हुआ कि मालवा में जहां 59 सीटों में से 65 सीटें जो थी वो आपकी झोली में आ गई। और एक और बात, कांग्रेस ने आपको भारी पार्टी बताया, लेकिन इसका भी केजरीवाल ने फायदा उठाया और भगवंत मान को सीएम का चेहरा उन्होंने पहले ही स्थापित कर दिया, पहले ही घोषित कर दिया। फीडबैक से लेकर के घोषणा तक इसे इस कदर इवेंट बनाया कि जो फॉलोअर्स थे उनसे लेकर के विरोधियों की जुबान तक ये बात चर्चा में आ गई। और जब केजरीवाल के मौके मांगने पर सवाल हुआ तो तुरंत स्लोगन बदल दिया, एक मौका भगवंत के मान के नाम पर वो मांगने लगे। आपकी जो सबसे बड़ी चिंता थी, जैसा कि सभी को पता है कि वहां पे 22 किसान संगठन का एक संयुक्त समाज मोर्चा था, ये बड़ी चिंता थी आपकी। किसान नेता बलबीर राजेवाल आपसे गठजोड़ की बात नकारते रहे, लेकिन केजरीवाल ने इसे खुल करके कबूल लिया। केजरीवाल ने यह कह दिया कि 90 सीटें घोषित कर चुके हैं, बची सीटें लेने के लिए राज्यपाल नहीं माने। गांव में किसान नेताओं की सत्ता लालसा का संदेश जाने से वोट नहीं बटे, ये एक बड़ी वजह थी। अब ये भी समझ लेते हैं कि डेरा और दलित फैक्टर जो है उसको केजरीवाल ने किस तरीके से अपना हथियार बनाया, किस तरीके से उन्होंने समझा। डेरा सच्चा सौदा का दावा था कि हर सीट पर उनके 5 से 20 हजार तक के वोटर हैं। उन्होंने अकाली दल और भाजपा को सपोर्ट किया। डेरे के दबदबे के दावे वाले मालवा में ही ये दोनों बुरी तरह से हार गए। अब इस बात पर बहस शुरू हो रही है कि श्रद्धालुओं ने डेरे की बात नहीं मानी या फिर डेरा फैक्टर जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि 2017 में अकाली दल को डेरा का सपोर्ट मिलने के बावजूद उसे सिर्फ 15 सीटें मिली थी। अब एक और फैक्टर है वहां का, दलित फैक्टर, उस पर भी बात करते हैं। पंजाब में 32% दलित वोटर हैं और कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम का चेहरा बना करके ये कार्ड खेला। इसका कांग्रेस को एक तरफा फायदा नहीं मिला। दलित लैंड कहे जाने वाले दोआब में गारंटी के जरिए आप पहले इसमें अपनी घुसपैठ कर चुकी थी, फिर आपने दलित भाईचारे के बच्चों की शिक्षा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बहाने उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाई, करीबियां बढ़ाई। जहां की सीटों पर 5 से 10 हजार वोट बैंक बसपा का भी है जो अकाली दल के खाते में चला गया। अच्छा, जाट सिख जो फैक्टर है वो भी काम किया आपकी जीत में। पंजाब में 19% जाट सिख आबादी है,
मतदान में इनका जोर भले ही ना हो लेकिन सत्ता में दखल इनका जरूर रहता है। आम आदमी पार्टी ने जट सिख कम्युनिटी से आने वाले भगवंत मान को अपना सीएम फेस बनाया। इसके विपरीत कांग्रेस ने जट सिख चेहरे वालों में नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा को इग्नोर कर चंडी पे अपना दाव खेला और इसका लाभ किसे मिला? आपको। सुखबीर भी जट सिख कम्युनिटी से हैं लेकिन उनका उनकी जो लीडरशिप है वो अकाली दल के कैडरों को पसंद नहीं आ रही थी। अब आते हैं हिंदू वोट पे। पंजाब में 38% हिंदू वोट है, ये बात केजरीवाल ने समझ ली और उन्होंने बहुत चालाकी से कही है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को सीएम चन्नी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियों से जोड़ा और इसके विपरीत केजरीवाल ने इसे हिंदुओं के डर से जोड़ लिया। भाजपा को छोड़ सब इस पे चुप थे लेकिन केजरीवाल ने व्यापारियों के बहाने खुल करके ये मुद्दा उठा लिया और केजरीवाल के अंतिम दिनों में खालिस्तानी लिंक के जो आरोप थे उसको लोगों ने इग्नोर मार दिया। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो एक चेंज हो रहा था, जो एक बदलाव की हवा थी, उसको समझ लिया था। इसके बाद प्रचार की जो पूरी उनकी स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने बदल ली। अभी तक शिक्षा, हॉस्पिटल और बिजली के मुद्दे उठा रही आपने इस बदलाव पर फोकस कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में सिर्फ एक मौका मांगने की बात कही, इससे एक जो बदलाव की लहर होती है वो मजबूत होती चली गई। तो दोस्तों ये थी आपकी जीत की कुछ बारीकियां, किस तरीके से ने केजरीवाल ने उनको पकड़ा, उनको समझा। और यूं तो कहिए कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहां लगे हुए थे लेकिन केजरीवाल ने अपना वही काम पंजाब में किया जो वो दिल्ली में कर रहे थे। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और खबर के साथ, किसी और कहानी के साथ, किसी और कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।